स्वागत है आप सभी के हमारे सजीर भाई गुरु चैनल में आने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मेरा नाम है सजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सजीर भाई गुरु। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। मैकेनिक भाइयों, मेरे पास आया है ग्लैमर FI मॉडल। ये बाइक एक मैकेनिक ने लाया है और मुझे बोला गया है कि इसका CDI कॉइल कट गया है तो न्यू डालना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि देखो भैया, पहले बाइक का पूरा सिस्टम चेकअप करेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे जो मेरा CDI कॉइल कट गया है क्या सही है, क्योंकि मेरे पास यह दूसरा मॉडल भी है CDI, अच्छा CDI है। तो मैंने सबसे पहले इसे लगा के देखा और बाइक में करंट नहीं आ रहा है। तो इस बाइक को कुछ दिन पहले कार्बोरेटर सिस्टम किया गया है, दूसरा मैकेनिक ने किया है, ये चल रहा था, बट चलते चलते कुछ दिन से बाइक में करंट नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बताऊँगा जो करंट क्यों नहीं आ रहा है, इसमें क्या हुआ है, और करंट भी ला के दिखाऊँगा। तो मैकेनिक भाइयों, इसमें करंट लाने के लिए हम लोगों को क्या क्या चीज़ देखना पड़ेगा सब चेकअप कराऊंगा, ताकि आप लोगों का मदद मिले। FI बाइक अगर आपके शॉप में आए और करंट मिसिंग हो तो आप लोग इजीली मेरा वीडियो देख के काम कर सकते हो। तो चले हम वीडियो को चालू करता हूँ। तो चालू करने से पहले आपको बताता हूँ, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे बाइक के साथ रिलेटेड वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मैकेनिक भाइयों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, कैमरा पकड़ो, इस बाइक में हम लोगों का करंट नहीं आ रही है, ठीक है, पहले आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं, बाइक में करंट आ गया है और FI वाला इंजन है। हेलो, देखो करंट एकदम नहीं आ रहा है, करंट नहीं आ रहा है, हाथ देखा है, झटका नहीं लग रहा है। अब इस बाइक को जैसे कि कार्बोरेटर सिस्टम कर लिया है, करंट का ज़रूरत है, वायरिंग भी नहीं चेंज किया, कुछ भी नहीं चेंज किया है। अब इसमें बैक एंगल सेंसर है, CDI कॉइल है, आप लोगों को CDI कॉइल भी लगा के दिखा लेता हूँ, क्योंकि ये मेरा CDI कॉइल अच्छा है, ठीक है, ये रनिंग CDI है। अब दूसरा CDI भी हम इंस्टॉल करके आपको दिखाते हैं, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो आप लोगों ने देखा, CDI जो हम लोगों का इशू यूनिट है, ये भी हम लोगों का बिल्कुल ठीक है, दूसरे बाइक का भी लगा के देखा, अब करंट नहीं आ रहा है। तो मैकेनिक भाइयों, सबसे स्टेप पहले हम लोग चेकअप क्या करें, ये जो तार कटा हुआ है, ये जो तार कटा हुआ है, ये हम लोग का टैंकी का है, ये फ्यूल पम्प का है, दो वायर है, मीटर कंट्रोल में फ्यूल कितना है बताते हैं। तो फिलहाल इस बाइक में कार्बोरेटर सेटिंग कर दिया है, फ्यूल पम्प का कोई ज़रूरत नहीं, इसीलिए कपलर खोला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलो अब हम आपको बताते हैं किस मल्टीमीटर लाइए, किस तरह से हम लोग चेकअप करें, जो हम लोगों का वोल्ट किस वायर पे जाना चाहिए और बॉडी कंट्रोल यूनिट जो होता है उसमें हम लोगों का वोल्ट जाए। तो चलिए हम आपको बताते हैं, मल्टीमीटर को हम लोग 20 पे करते हैं। करने के बाद सबसे पहले हम चेकअप करेंगे जो हम लोग का बैक एंगल सेंसर है, इसमें हम लोगों का 12 वोल्ट की सप्लाई जा रही है कि नहीं। सबसे पहले हम चेकअप करेंगे जो हम लोगों का बैक एंगल सेंसर होता है, यहीं से हम लोगों का वोल्ट कट करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट वोल्ट आती है, ये जो बॉडी अर्थिंग है हरा कलर की, को बताते हैं, ये जो बैक एंगल सेंसर है इसमें हम वोल्ट चेकअप करेंगे। हरा कलर की वायर पे अर्थिंग लगाएंगे और ये बीच में जो हम लोगों का ब्लू में रेड है, इसमें हम लोग वोल्ट की जगह में लगाएंगे। और मल्टीमीटर में देखिए, हम लोगों का 8 वोल्ट दिखा रही है, क्योंकि बैटरी अभी डाउन है, देखो बैटरी अभी डाउन है, 8 वोल्ट दिखा रही है, तो यहाँ बराबर वोल्ट आ रही है। जब बाइक किक करेंगे तो हम लोग रेगुलेटर चार्जर से परफेक्ट वोल्ट मिल जाएगा। तो मैकेनिक भाइयों, यहाँ वोल्ट आ रही है, अब इस वायर से हम लोग का बैक एंगल सेंसर होके वोल्ट जाएगा। तो इस वायर से वोल्ट जो जाएगा, ये जो रेड में वाइट कलर का वायर है, इस वायर पर आएगा, क्योंकि इसमें एक रिले होता है। अब रिले हर जगह में वोल्ट देते हैं, जैसे कि रेड में ब्लैक है तो वोल्ट ये सादी कलर में जो है, रेड में सादी, इसी वायर पे वोल्ट आती है, बैक एंगल सेंसर इसी को वोल्ट देता है। अब रिले क्या करता है, जब भी चाबी ऑन करते हैं ऑटोमेटिक, ये रिले काम करके इस ब्लैक में जो रेड है, इस वायर पे वोल्ट आती है। अब ये वोल्ट कहाँ कहाँ जाता है हम आपको बताते हैं। एक टैंकी में फ्यूल पम्प होता है, उसमें एक वोल्ट जाती है जो फ्यूल पम्प को कट करता है। अगर बाइक बाई चांस गाइक अगर उलट जाए तो वोल्ट ऑटोमेटिक कट हो जाता है, और फ्यूल पम्प में जो हम लोगों का फ्यूल की सप्लाई होता है वो भी बंद कर देते हैं, और ये क्वायर चल जाते हैं, हम लोगों का जो CDI है, इशू कंट्रोल यूनिट, इसमें जाता है, ये जो रेड में ब्लैक है,
रेड में, हाँ रेड में ब्लैक है। ये वायर जो है इस वायर का साथ और इस वायर का साथ, और ये जो रेड में ब्लैक है इस वायर से बोल्ट काट होते हैं। तो मैकेनिक भाइयों, अगर बाइक में करंट का प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले हम लोग चेकअप करेंगे जो यहाँ हम लोग इग्निशन ऑन करने के बाद वोल्ट आती है कि नहीं। अगर वोल्ट यहाँ नहीं आएगा तो बाइक में फ्यूल सप्लाई भी नहीं होगा और जैसे कि करंट भी नहीं आएगा। तो चले सबसे पहले हम चेकअप करते हैं इस वायर की, वोल्ट चेकअप करते हैं। तो चलो, हमने मल्टीमीटर एक वायर लगाया और एक वायर कहीं बॉडी के साथ संपर्क करेंगे और मल्टीमीटर में देखो, मल्टीमीटर में हम लोगों का कोई वोल्ट नहीं आ रहा है। तो मैकेनिक भाइयों, वोल्ट नहीं आ रहा है, एक तो प्रॉब्लम मुझे पकड़ में आया जो वोल्ट नहीं आ रहा है। अब दूसरा कुछ और चेकअप करने का है जो हम लोग पिकअप कॉइल चेकअप करेंगे। तो हम लोगों का जो पिकअप कॉइल है कौन सा है मैं आपको बताता हूँ। उस पर चलिए, ये जो ब्लू में पीला है और वाइट में पीला, ये दोनों हम लोगों का जैसे कि पिकअप कॉइल का है। तो चलो पिकअप कॉइल को हम मापते हैं। तो हम लोगों का 122, 28, 125 इस तरह का पॉइंट आना चाहिए पिकअप कॉइल का पॉइंट, इसका रीडिंग इस तरह के आएगा। तो मुझे फ़िलहाल पिकअप कॉइल भी ठीक मिल रहा है। तो मुझे चेक करना है सिर्फ पिकअप कॉइल, क्योंकि बैटरी मेरा वोल्ट है 8 वोल्ट और इंजन से तो आर्मेचर कॉइल से रेगुलेटर चार्जर हो गया वोल्ट, अगर किक मारे तो ज़्यादा हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन परेशानी पिकअप कॉइल चेक करने का था, चेक हमने कर लिया है। अब चलो चेकअप करते हैं बाकी काम। तो पहला है हम लोग चेकअप करेंगे, ये रेडियो में ब्लैक है, ये फ्यूल पंप में जाएगा और एक जैसे कि हम लोगों का CDI पे जाते हैं इश्यू कंट्रोल यूनिट पर। तो यहाँ हम वोल्ट चेकअप करेंगे, वोल्ट हम लोगों का मिल रहा है कि नहीं। मेरा इग्निशन ऑन है लेकिन यहाँ भी वोल्ट नहीं आ रहा है। तो वोल्ट अगर जब तक यहाँ नहीं आएगा हम लोगों का करंट नहीं आएगा। तो मैकेनिक भाइयों, करंट तो नहीं आ रहा है, अब हम क्या करेंगे, अलग से वोल्ट देंगे। ठीक है, अलग से वोल्ट हम देंगे, कहाँ पर वो देखिए, इस वायर पे हम दे देंगे, ताकि यहाँ से देने से इस वायर पे वोल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्योंकि मुझे लगता है ये जो हम लोग का बैक एंगल सेंसर है ये ख़राब हो चुकी है, मार्केट में मैंने देखा नहीं मिल रहा है। तो बगैर बैक एंगल सेंसर के हम लोगों को बाइक में करंट किस तरह से लाए। तो ये जो ब्लैक में हम लोगों का रेड है और ब्लैक में रेड, इसका साथ संपर्क है, देखो ये जो वायर है, एक वायर आता है जैसे कि यहाँ से, ठीक है यहाँ से आता है और एक वायर निकल के जाता है टेंकी का फ्यूल पंप में। तो अगर यहाँ हम वोल्ट दे देंगे तो पूरे बाइक में वोल्ट चल जाएगा। तो चलो हम वोल्ट डायरेक्ट बैटरी से ले लेते हैं, इसको ड्राइवर लाइए, पहले हम यहाँ से बाइक में वोल्ट दे देंगे, इग्निशन को बंद रखेंगे, ठीक है बंद रखेंगे, और यहाँ से हम लोग वोल्ट एक वायर में अटैच कर दिया। अगर हमारा बैक एंगल सेंसर कटा रहा है तो बाइक में डायरेक्ट वोल्ट देने से हम लोगों का काम बन जाएगा। तो चलो अब हम बाइक का करंट चेकअप करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं जो बाइक में करंट आ रहा है कि नहीं। रुको रुको रुको, इग्निशन ऑन करो, और यहाँ किक मार रहा है और यहाँ देखिए। अब चलो दिखाते हैं, चलो किक मारो मारो। तो करंट एकदम 100% आ रहा है। रुको, अब इस वायर को खोल लेता हूँ, ठीक है इस वायर को हम खोल लेते हैं। अब आप देखो करंट नहीं आएगा, रुको दिखाओ, कोई करंट नहीं आ रहा है। तो करंट नहीं आ रहा, ये वायर हम जब भी यहाँ अटैच करते हैं करंट आता है और नहीं आता है। तो मैकेनिक भाइयों, इसका साथ संपर्क है, जैसे कि ये कहीं कहीं जाता है, जैसे कि एक चल जाते हैं हम लोगों का CDI पर और एक चल जाते हैं जैसे कि और भी काफ़ी जगह है वहाँ पर, और एक वायर चल जाता है फ्यूल पंप पर। तो वोल्ट यहीं से आता है, रिले से। रिले भी हमने चेंज करके देखा लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। प्रॉब्लम है एक्चुअली बैक एंगल सेंसर का। तो बैक एंगल सेंसर को खोल दीजिए, बगैर बैक एंगल सेंसर के बाइक को स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि करंट मुझे मिल रहा है। अब वोल्ट हम कहाँ से ले वो आपको बताते हैं। तो चलिए इस वायर को खोलिए, यहाँ से बाइक बंद नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ से वोल्ट दे देंगे तो बाइक बंद नहीं होगा, वोल्ट हम दूसरे जगह से देंगे। बस टाइट करो नट को और इस वायर को लगा दीजिए, जैसे कि ब्रेक स्विच का वायर जो काला वाला वाला है यहाँ यहाँ, ये ब्रेक स्विच का काला वाला जो वायर है इसमें हम वोल्ट लेंगे। तो काली वाले में लगाओ, ये जो काली वाली है ब्लैक वाली,
चलो काला में भर दीजिए और कपलर को लगा दीजिए, ठीक है, क्योंकि वोल्ट इग्निशन ऑन करने थे मुझे वोल्ट यहाँ 12 वोल्ट की सप्लाई मिल जाएगा और बाइक भी बंद भी हो जाएगा। तो चलो अब चाबी को बंद करो, अंदर से ले लो। अब इसके साथ संपर्क कर दो, ठीक है, बस इसमें ब्लैक टेप कर दीजिए अभी फ़िलहाल, जैसे बाइक को स्टार्ट करके दिखाना है थोड़ा टेप कर दीजिए इसमें, जिसमें कि बॉडी के साथ कहीं संपर्क ना हो, वरना कुछ कटने का चांसेस रहता है। बस हो चुकी है, ठीक है, और बैक एंगल सेंसर के हमें वाइप खोल के रखा है। अब आप लोगों को हम करंट दिखा रहा हूँ, जो करंट बिल्कुल बराबर आ रही है कि नहीं दिखाओ। तो मैकेनिक भाइयों देख पा रहा है मेरा करंट एकदम 100% बराबर आ रही है। रुको, तो चलो प्लग भी लगाया है और कैप को लगा रहा हूँ, ठीक है। तो मैकेनिक दोस्तों मैंने वोल्ट दे दिया है और इसको भी खोल दीजिए इसको टान के, बस इसका कपलर का कोई ज़रूरत नहीं और बाइक को स्टार्ट करेंगे। मैंने फ़िलहाल तेल दे दिया है इस पाइप से, ठीक है, और बाइक स्टार्ट हम करते हैं। तो मैकेनिक भाइयों आप लोगों ने देखा बैक एंगल सेंसर अभी कटा हुआ है, खुला हुआ है, ये जब मार्केट में न्यू लाएंगे तो ये हम कनेक्शन फिर अलग से कर देंगे। तो अभी फ़िलहाल मार्केट में नहीं मिला, इसीलिए हम ये मुझे करना पड़ा, क्योंकि मार्केट में मैंने देखा था बैक एंगल सेंसर कहीं भी नहीं मिल रहा है, ओल्ड मॉडल बाइक है ग्लैमर, और जब मार्केट से ख़रीद के लाएंगे तो बैक एंगल सेंसर लगा देंगे और ये वायर को कट कर देंगे, ये बिल्कुल बाइक ठीक हो जाएगा, चेक इंजन लाइट भी आ जाएगा। लेकिन फ़िलहाल इंजेक्टर हम लोगों को लगा के रखना पड़ेगा। अगर चेक इंजेक्टर अगर बाइक में अगर हम लोग ना लगा के रखें तो बाइक में करंट नहीं आएगा। इसमें एक सेंसर होता है इश्यू कंट्रोल यूनिट का, जिसमें हम लोगों को लगाना पड़ता है, इसको रख देना पड़ेगा कहीं बाइक के साथ, तब यह बाइक चलेगा। तो मैकेनिक भाइयों हमने यह बताया, जो ग्लैमर बाइक में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि बैक एंगल सेंसर कट जाता है, बाइक करंट नहीं आता है, तो बैक एंगल की ना लगाने का कारण भी हम आपको बताया, जो किस तरह से आप लोग सेटिंग करें। तो मैकेनिक भाइयों इस बाइक को मैंने रनिंग कर दिया है और ये बाइक चलेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाइक के साथ रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं और आप लोगों को दिखाते रहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।